मुश्किल दौर से गुजरकर आप क्या बनते हैं आप पर निर्भर करता है। एक बार की बात है, एक कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। इसी बात को ठीक तरह समझने के लिए गुरुजी ने तीन कटोरे लिए। पहले कटोरे में आलू रखा, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उनको गैस पर उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र यह सब देखकर हैरान थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तन में उबाल आने लगे तो गुरुजी ने सभी कटोरों को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरों को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी छात्र को समझ नहीं पा रहा था। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों आलू, अंडा और चाय को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने आलू को हाथ लगाया तो पाया कि जो आलू पहले काफी कठोर था और लेकिन पानी में उबालने के बाद मुलायम हो गया था। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था उबलने के बाद वह कठोर हो गया है। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया तो देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी का था मिलकर अपना रूप बदल लिया और अब वह चाय बन चुकी थी। अब गुरुजी ने समझाया, हमने तीन अलग अलग चीजों को समान विपत्ति से गुजारा, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीजें एक जैसी नहीं मिली। आलू जो कठोर था वो मुलायम हो गया, अंडा पहले से कठोर हो गया और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। उसी तरह यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किल आती है, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप परेशानी का सामना कैसे करते हैं और मुश्किल दौर से गुजरने के बाद क्या बनते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई और इसका मोटिव समझ में आया तो इस कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को शेयर भी कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।